हम राज बब्बर हैं, पहले तो हम संतरी थे, अब मंत्री बनने जा रहे हैं। हम चोपड़ा साहब से कहकर तुम्हारे इंसाफ के तराजू को सहारा दे देंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपने सौतेले बेटे बॉबी की शादी करानी होगी। उसे हमारी पसंद की लड़की मनीषा केरला के साथ शादी करनी होगी। लेकिन इससे तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यही तो हम चाहते हैं। सुनिए, मैंने पहले भी आपको कहीं देखा है। मुझे? अरे हाँ, इसी फिल्म में तो देखा है। लेकिन आप उसके बाद आप कहीं नजर ही नहीं आ रहे हो। मेरा मतलब है, एक या दो हफ्ते नजर आके गायब हो जाना ठीक नहीं। मुझे देखो, 25-25 हफ्ते नजर आती हूँ। मैं भी नजर आता हूँ, लेकिन सिर्फ बठिंडा में। अरे बॉबी, मैं तो तुम्हें बचपन से देखती आ रही हूँ। याद है तुम्हें, मैं मेरे मम्मी और तुम्हारे डैडी के साथ सेट पे। मुझे याद आ रहा है, जब अब लंच के लिए बैठते थे तब तुम्हारी मम्मी अपने टिफिन में से झुमका भाकरी निकालती थी, और मेरे डैडी चिकन तंदूरी और लस्सी के बड़े बड़े गिलास। तो जब मेरी मम्मी मटन कोल्हापुरी और फिश करी लाती थी, तुम्हारा डैडी राजमा बोल के मेरी मम्मी का सारा टिफिन खा जाया करते थे। मुझे सब याद आ रहा है। बॉबी, मैं चाहती हूँ कि हमारे बचपन का फ्लैशबैक जवानी के फ्लैश फॉरवर्ड में बदल जाए। व्हाई नॉट, मेरे बाप का क्या जाता है। विजुषा, चल शुरू हो जा। करो ये नाच गाना, बहुत ही घिसा पिटा हुआ गाना है और पिक्चराइजेशन भी कितनी बकवास है। ना हीरोइंस के पीछे 100 लड़कियां और ना हीरो के पीछे 100 लड़के। देखो, ये हीरो हीरोइन का रोमांटिक डुएट सॉन्ग है, और वैसे भी इस गार्डन में इतने सारे लोग कहां से आएंगे। मद्रास से। वैसे भी चिनी प्रकाश जी हर चीज का इंतजाम करके रखते हैं। अच्छा? वो तो कॉस्ट्यूम्स भी अपने साथ लाते हैं। हाँ, दूसरी बात है कि हर फिल्म में सेम कॉस्ट्यूम्स का इस्तेमाल होता है। बस बहुत हो गया, पिछले इंटरव्यू में भी तुमने काफी कुछ मेरे बारे में बकवास की। लगता है तुम्हें मुफ्त की पब्लिसिटी का शौक है। आइंदा अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें नाना याद दिला दूंगी। नाना तो पुराना हो गया। जब किसी की सौतेले दादी, सौतेले दादी, सौतेले दादी, कुजली, बेशर्म, तेरे डैडी ने तुझे काजोल से शादी करने के लिए मना कर दिया, इसलिए तूने खुजली डाली उन पर। नहीं माँ, मुझे खुद को हीरो बनने की इतनी खुजली है तो मैं इन पर खुजली क्यों डालता। और वैसे भी माँ, इन्हें बहुत सी खुजलियाँ हैं, लीडर बनने की, एमपी बनने की, बड़े बड़े भाषण देने की और लोगों को सहारा देने की। शट अप, पुलिस, पुलिस। हाँ बेबे, गिरफ्तार कर दो इसे। बेबे, किस जुर्म में? खुजली के जुर्म में। खुजली जुर्म? ओ बेबे, इस तरह नहीं होता है। देख, हमारे मुल्क में ना हर बंदे को कोई ना कोई खुजली है। और जैसे सुभाष के को खुजली है अंग्रेजी बोलने की, महिमा चौधरी को खुजली है प्रदेश जाने की, अजय देवगन को खुजली है काजल लगाने की, तमीर खान को खुजली है डायरेक्टर बनने की। और बेबे तू देख मैं की करा। अगर आपने इसे अरेस्ट नहीं किया तो मैं आपको सस्पेंड करवा दूंगी। ओए यार, हर हिंदी फिल्म में ये डायलॉग आना जरूरी है। ओ बाबी चल यार, चल। लेकिन बेबे, चल, अम्मा चल, चल। ओ तेरे जैसे जो भी बदमाश ही आता है ना, एक कोई डायलॉग मारता है, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छेड़ दो। बाप रे, क्या सपना पाया है साहब? अपनी गाड़ी उल्टी साइड से चला रहा था। क्या मतलब? मतलब अपने हिंदुस्तान में लेफ्ट साइड से गाड़ी जाती है, राइट साइड से आती है। ये आदमी उल्टी तरफ से गाड़ी चला रहा था, और जो गाड़ी सीधी चला रहे थे उनको मार रहा था, गाली दे रहा था। इंस्पेक्टर साहब, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। ओ यार, तू तो ऐसे गल करता है कि तू सिर्फ बड़ा वड्डा फिल्म स्टार है तो तेरे को देखने में पहचान जाऊं, तो अपनी ऑटोग्राफ किताब निकाल के तेरा ऑटोग्राफ ले लूं। हां, आप कांटेक्ट लेंसेस पहनते हैं? ओ यार, ये बात तो मेरी बीवी को नहीं पता। ओ तूने कैसे पता लगी? तेरा कोई सीआईडी सीबीआई में कनेक्शन है? आप हियरिंग एड भी लगाते हैं, ऊंचा सुनते हैं आप? नहीं यार, मेरे कान तो टीवी के एंटेने के जैसे खड़े रहते हैं। तो ठीक है, आप मेरे डायलॉग डिलीवरी सुनिए, आप मुझे फौरन पहचान जाएंगे। ध्यान से सुनिए,
तेरे कमीना, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ओ पाजी, कमाल है, कमाल है। ओ पाजी, आपका ये डायलॉग सुन सुन के ना मैंने स्कूल की सारी जमातें पास की, कॉलेज पास किया। अच्छा? फिर जब मैं पुलिस में भर्ती हो गया ना, तो पता है मैंने क्या किया? मैंने आपका डायलॉग रिकॉर्ड किया। वड्डे से वड्डा बदमाश जब अपना गुनाह कबूल नहीं करता ना, मैं उसके डायलॉग सुना देता हूँ, उसकी अकल ना हटके हाथ में आ जाती है, फौरन गुनाह कबूल कर लेता है। आप पुठी साइड से गाड़ी कैसे चला रहे थे? अपना क्या बताऊं आपके इंस्पेक्टर साहब, मैं एक नई कहानी के बारे में सोच रहा था। अब मैं चाहता था कि उस कहानी में एक टर्न आ जाए। अब उस टर्न के बारे में सोचते सोचते मेरी गाड़ी ने रॉन्ग टर्न ले लिया है। इसके पहले कि मैं उस टर्न को रिटर्न करूं, इस हवलदार ने मुझे पकड़ लिया और यहाँ पे ले आया। जरा प्लीज। अच्छा, पाजी गलत दसो, ये आपकी कहानी है क्या है? तीन भाइयों की कहानी है, फ्रेश रंग लगा। हाँ जी बिल्कुल। सबसे बड़ा भाई जो होगा सनी, दूसरा बॉबी। अच्छा, तीसरा कौन करेगा? मैं खुद करूंगा। अच्छा, वो क्या के कॉलेज में जाऊंगा, नाचूंगा और कुड़िया शुड़िया होंगी। अच्छा, तो इसका मतलब आप अपना कॉलेज जाने का शौक भी पूरा कर लोगे? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आजकल आप कहानियां भी लिखने लगे हैं? अच्छा, तुम नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने आज तक जितनी भी फिल्में बनाई हैं उन सब की कहानियां मैंने खुद लिखी हैं, सिर्फ एक फिल्म को छोड़ के। अगर तुम उस फिल्म का नाम मुझे बताओगे तो तुम्हें मिलेंगे बनारसी दास की तरफ से 5,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर, तुलसीदास की तरफ से 10,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर, राम भरोसे होटल में एक दिन और एक रात का मुफ्त स्टे, शामक दावर की तरफ से 2 घंटे की फ्री डांसिंग क्लासेस और सुभाष घई की तरफ से सिर्फ लड़कियों के लिए खास स्क्रीन टेस्ट। चलो बताओ फिल्म का नाम क्या? बताओ। लगता है बरसात होने वाली है। मुझे जाने दे। पाजी को जाने दे। ओ पाजी जाओ तुसी। ठीक है। और देख भाई, अगर तुझे खसकना है ना तो तू भी खसक ले, वरना तू मेरी बड़ी तुलाई करेगा और तेरा हाथ भी तेरे पियो के हाथ से कुछ कम नहीं है, समझे ना? हे भगवान, इस खानदान में सबके हाथ बनाए के हथौड़े बनाए। कब मैंने ये पता नहीं वो कैसे भागा होगा। हाँ सर, वो कैसे भागा होगा? शरफ, उसका बाप भी कई फिल्मों में ऐसे ही भागा है। फूल और पत्थर में तो जो वो बचपन में भागा तो भागते भागते सीधा जवानी में पहुंच गया। उन्हीं बचपन के कपड़ों में? शरफ, वो तो सिर्फ उर्मिला मटोटकर ही कर सकती है। उसके जवानी और बचपन के कपड़े में तो कोई फर्क ही नहीं होता है। तभी तभी क्या? अरे पिछले हफ्ते मेरी ड्यूटी एयरपोर्ट पर लगी हुई थी और वो मद्रास की फ्लाइट का वेट कर रही थी पूरे 1 घंटे, लेकिन उसको किसी ने पहचाना ही नहीं। कैसे कैसे? वो कपड़े पहनी हुई थी पूरे। उसी फ्लाइट में गुलशन ग्रोवर भी था, उसको भी किसी ने पहचाना नहीं। वो कैसे? क्योंकि उसने कोई गेटअप नहीं किया था। खैर, हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ लेना चाहिए। गुलशन ग्रोवर को? बॉबी को। लेकिन कैसे सर? इंस्पेक्टर ओमपुरी के जरिए। सर, इस साल में 11 दफा आप सस्पेंड कर चुके हैं उसको। ये 12वां महीना है बेवकूफ। लेकिन सर, वो तो यहाँ है नहीं। कहाँ गए? सर, वो कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए बाहर गया हुआ है। उसने एक अंग्रेजी फिल्म के अंदर अंधे भिखारी का रोल किया। हाँ सर, उस फिल्म में उसका काम देखकर वहाँ के सारे जज्जों को ये हो गया सर। है? कंजंक्टिवाइटिस? हाँ, वही वही। उसका रियलिस्टिक परफॉर्मेंस देखकर वहाँ के सारे जज्जों ने उसे अवार्ड दे दिया सर। जब अवार्ड मिल गया है तो वापस क्यों नहीं आता है? वो लाइन में खड़ा है सर अवार्ड लेने के लिए। उस फिल्म फेस्टिवल में 80 देशों ने भाग लिया है सर, और हर फिल्म को कोई ना कोई अवार्ड मिला है सर। जब तक उसका नंबर आएगा, नया कांस फिल्म फेस्टिवल आ जाएगा सर। तो उसको कहो कि हवाला के जरिए वो अवार्ड यहाँ मंगा ले। वहाँ ऐसा नहीं होता है सर। तो फिर एक काम करो, किसी को उसका गेटअप करा के उसकी लाइन में खड़ा करा दो और उसे यहाँ बुला लो। सर, किसी को भी उस गेटअप में लाना बहुत मुश्किल है। तो फिर उसका कोई लुक अलाइक पकड़ो, आखिर शाहरुख खान, संजय दत्त, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन, यहाँ तक कि नाना पाटेकर का लुक अलाइक मिलता है। तो फिर क्या ओमपुरी का लुक अलाइक नहीं मिलेगा? सर, उसका लुक अलाइक बनने के लिए कोई तैयारी नहीं है। सर, आप क्यों नहीं बनते हैं?
नहीं नहीं मैं छुट्टी पे हूँ सर। अपने हेलो डॉक्टर अंकल, मैं बॉबी हूँ, मैं निर्दोष हूँ, ये काम मैंने नहीं किया। तुम ठीक कहते हो, तुम इतना अच्छा काम कर ही नहीं सकते हो। हाँ अगर तुम्हारा भाई होता तो बात अलग थी, लेकिन अंकल अब मैं क्या करूँ? देखो तुम ये देर रात इधर उधर डिस्को में भटकना छोड़ दो। कभी तुम J49 में पाए जाते हो, कभी राजबेरी में, कभी कभी 3 Flights Up में। आखिर ये क्या है, कब तक चलेगा ये, कब तक? देखो आज रात तुम मुझे ठीक 11 बजे खार बांद्रा के जंक्शन वाले पेट्रोल पंप पर मिलो। लेकिन डॉक्टर अंकल मैं आपको पहचानूंगा कैसे? मेरा मतलब है जेल जाकर मैं आपका थोबड़ा भूल गया हूँ। अच्छा मैं अपने रेड वैन में बैठा रहूंगा, तुम्हारा कोडवर्ड होगा और प्यार हो गया, और मेरा जवाब होगा राहुल रावल सो गया। ठीक है प्यार हो गया राहुल रावल सो गया। सुनो हमेशा की तरह देर से मत आना। नहीं अंकल मैं सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में लेट हो जाता हूँ, नाइट शिफ्ट की तो बात ही अलग है। आ गया और प्यार हो गया राहुल रावल सो गया, और प्यार हो गया राहुल रावल सो गया, और प्यार हो गया राहुल रावल सो गया। राहुल रावल सो गया और प्यार हो गया, अरे खुजली शुरू हो गया, अरे खुजली शुरू हो गया। नहीं ये डॉक्टर खार बांद्रा नहीं हो सकता। और प्यार हो गया प्यार। और काजल का यार है ना ठीक नहीं है, पुलिस तुम दोनों को ढूंढ रही है, तुम दोनों लंदन क्यों नहीं भाग जाते? अरे नहीं अंकल, लंदन में तो पहले से बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वहाँ पे जाऊँगा तो भाई साहब के सारे पेंडिंग बिल्स मुझे चुकाने पड़ेंगे। पता चला खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास पड़ा 5 लाख पाउंड। वैसे भी मैं इसी सबूत के सहारे असली मुजरिम तक पहुँचना चाहता हूँ। इस क्वार्टर से क्या होगा बेटे? मेरे लिए क्वार्टरी काफ़ी है, अगर पापा जी होते तो उनके लिए 1 लीटर की बोतल मंगानी पड़ती। अच्छा अच्छा ठीक है बेटे मैं जाता हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। ओके अंकल। अरे बाबा बहुत देर हो गई, इस सिचुएशन में अब तक कोई गाना भी नहीं आया। यार मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये हिंदी फिल्मों में हर 5 मिनट के बाद गाना क्यों होता है? अरे बाबा इन्हीं गानों की वजह से तो कई लोगों की दुकानें खुली हुई है। अच्छा मतलब? मतलब ये इन्हीं गानों की वजह से प्राइवेट एल्बम बनना शुरू हुए, अगर गाने ना होते तो दिलेर मेहंदी बेच रहा होता, अलीशा चिनाई चली गई होती, ईला अराउंड द घाघरो होती, पंकज उदास होता, यूपी अंदर होता, अनुप जल उठा होता, कलत नाचीज होता, और तर जन्म समझा कर। अरे इनकी बात छोड़ो अपनी भी तो बोलो। अपनी तो चलो शुरू हो जाते हैं। गुप्ता बहुत हो गया तेरा गाना वाना, चल सीन शुरू कर, डायलॉग बोल। देखिए इंस्पेक्टर मैं निर्दोष, मैंने कुछ नहीं किया। अरे पूरी फिल्म में सिर्फ यही बोलता आ रहा है, तभी भी तेरी डायलॉग डिलीवरी इतनी घटिया। देखिए मैं डबिंग में ठीक कर लूंगा, मेरा यकीन कीजिए, और वैसे भी मेरे पास ये सबूत है, इस सबूत के जरिए मैं असली मुजरिम तक पहुंच सकता हूं। ये बोतल खाली है कि भरी हुई? ये खुजली वाली है। देखिए यू आर अंडर अरेस्ट। इस क्वार्टर की तरह ये भी खाली है इंस्पेक्टर, मैंने इसकी गोलियां पहले निकाल ली है। ये कैसे हो सकता है? अरे इसे तो मैं पुलिस स्टेशन से लोड करके सीधा यहाँ चला आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर लॉजिक मत चलाओ, जहाँ लॉजिक चलने लगेगा फिल्में नहीं चलेगी। लॉजिक चला फिल्में फ्लॉप, लॉजिक नहीं चला फिल्में हिट, जैसे मेरी ये फिल्म हिट है। मैं जा रहा हूँ गुप्पाड़ी गुप्त। इसकी ये लॉजिकल बात अगर मैंने गोविंद नहलानी को बता दी ना तो वो मुझे कभी फिल्मों में नहीं लेगा, ये बात मुझे गुप्त रखनी पड़ेगी। गुप्त गुप्त गुप्ता जी गुप्त गुप्त। ये लगता है आउटडोर शूटिंग करके आ रहे हैं। क्या मतलब? तुम्हारा ये गुजराती नाटक खत्म हुआ, वैसे भी तुम्हारे इस हिंदी से गुजराती बहुत टपकती है। ये मेरा घर है, तुम्हारे शाम बने का सेट नहीं है? सेट तो ये था, पूरी 10 बोतलों का, और उसमें से 2 बोतल गायब हैं, एक बॉबी के पास है और एक पुलिस स्टेशन में, और खुजली के मरीज भी सिर्फ 2 ही लोग हैं,
और एक खतरनाक खुजली मुजरिम मेरे सामने खड़ा है। घर आए हुए मेहमान को बैठने के लिए नहीं कहोगे? बैठो क्या, लेट जाओ, पूरा घर तुम्हारा है। सलाम, मैं तो भूल ही गया था। चलो अब तुम्हें पता चल ही गया है तो मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ कि संतरी महोदय के ऊपर खुजली मैंने ही डाली थी और डॉक्टर साहब के ऊपर भी मैंने ही डाली थी। लेकिन क्यों? ये क्या है? काबुल से खुजली हिंदुस्तान में आई, जिसको लगी उसने खूब खुजाई। न पीने में मजा है न पिलाने में मजा है, जितना कोई खुजली को खुजाने में मजा है। वाह 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 भाई, क्या शेर मारा है, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। और मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, और मैं बॉबी को बताऊंगा क्लाइमेक्स के पहले वाले सीन में, वरना बॉबी क्लाइमेक्स तक कैसे पहुंचेगा? बकवास मत करो, हम भी पुलिस वाले हैं, हमें भी क्लाइमेक्स में पहुंचना है। लेकिन हिंदी फिल्म में तो पुलिस क्लाइमेक्स सीन के बाद पहुंचती है ना। इसीलिए तो मैं पैरेलल सिनेमा करता हूं, सीन शुरू हुआ तो खत्म होने का नाम नहीं। एक्टर कहता है कि सीन कब खत्म होगा, ऑडियंस कहती है कि फिल्म कब खत्म होगी। क्या बात है यार, सर कितना भी भूखा हो मगर वो घास नहीं खाता। तुम्हारे शेर पे मुझे एक शेर याद आया। इरशाद, इरशाद, एक बंदर के ऊपर एक बंदर, उस बंदर पे एक और 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 बंदर। एक शेर? अरे शेर को मारो गोली, बैलेंसिंग देखो। अच्छा ओए, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं करेगा? मैं भूल गया, यू आर अंडर अरेस्ट। सर आपने तो कमाल ही कर दिया सर, आपने वो खुजली वाले को पकड़ लिया। लेकिन सर आप हमेशा कहते हैं आप एक वक्त पर एक ही काम करते हो, फिर आज आप ये एक साथ दो काम कैसे कर रहे हो? क्या मतलब? सर आप दारू भी पी रहे हो और खुजा भी रहे हो। अरे यार एक ही तो काम कर रहा हूँ, ये दारू पीना भी एक तरह की खुजली है। सर ये जो अभी अभी 5 बम फूटे हैं ना, उसमें मेरा भी बड़ा हाथ है। वो कैसे भाई? सर अपने देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट एक बिल्डिंग में मिलकर अंदर बैठकर बम फोड़ने का इंतजाम कर रहे थे, लेकिन सर 10 साल काम करते करते वो लोग भूल गए कि बम कैसे फोड़े, और उसी रात मेरी बीवी ने मुझे दबा के छोले भटूरे खिलाए। फिर क्या सर, उनका काम अंदर शुरू और मेरी बीवी के छोले भटूरों का काम बाहर शुरू। सर मेरा काम सुनकर ही उन्हें याद आया कि बम कैसे फोड़े, फिर हुआ ना उसमें मेरा भी हाथ। ए भाई मुझे लगता है तुम दोनों को चढ़ गई है, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। चलो चलो। ये क्वार्टर देख रहे हो? क्वार्टर तो क्या बेटे, मैं तो कंट्री लेकर की बट्टी भी देख चुका हूँ अपने स्ट्रगल डेज में। स्ट्रगल? वो क्या होती है? तुम्हें क्या मालूम स्ट्रगल क्या होती है? अपने बाप से जाके पूछो कि स्ट्रगल क्या होती है, उसने भी पहली दार का माल पिया अपने स्ट्रगल डेज में। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मेरे डैडी पर खुजली किसने डाली थी। डायलॉग मुझसे कितनी बार बुलवाओगे, मैंने बोला ना कि वो खुजली वाला पाउडर मैंने डाला था। झूठ बोल रहे हो तुम। जब मेरे डैडी पर खुजली डाली गई तब तुम गुलशन राय की फिल्म बोहरा की आउटडोर शूटिंग पर गए हुए थे। वो गाना तो याद है ना तुम्हें? तो चीज बड़ी है मस्त मस्त मस्त। और इस बात तारो धोती है तो डीलो तो एकदम। सच सच बताओ किसका काम है?
एक मिनट, पहले बताओ इस लॉकेट का क्या गुप्त ज्ञान है? बेटे बेटे इस लॉकेट को खोलना नहीं है, वरना तुम्हें पता चलेगा कि दोषी कौन है। ये खुलता है? इसका मतलब ये सब काजल ने किया है? हाँ। पर क्यों? क्योंकि काजल को बचपन से आदत थी मुफ्त में चीजें लेने की। जब उसे कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती है तब वो गुस्सा हो जाती है और गुस्से के मारे उस आदमी पर खुजली फेंक देती है। लेकिन उसने मेरे डैडी पर खुजली क्यों फेंक दी? बताता हूँ बेटा, जब मैं काजल के रिश्ते की बात करने तुम्हारे डैडी के पास गया था। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं तो बॉबी की शादी मनीषा से करना चाहता था, लेकिन बॉबी ने पार्टी में सबके सामने हमारा कितना कचरा किया तुमने तो देखा था ना। तो मैंने सोचा बच्चों की खुशी के सामने हम क्या कर सकते हैं, इसलिए इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। जाओ तुम शादी के लिए तैयारी करो। और हाँ, एक बात बताना तुम्हें भूल ही गया, मैं चाहता हूँ कि तुम बारातियों का स्वागत 500 सुपारी से करो। और तुम तो जानते हो ना बेटे कि 500 सुपारी मुफ्त नहीं मिलती। काजल को जब इस बात का पता चला तो गुस्से के मारे पागल हो गई और उसने तुम्हारे बाप पर खुजली का पाउडर डाल दिया। लेकिन डॉक्टर खार बांद्रा पर क्यों? क्योंकि डॉक्टर खार बांद्रा को काजल पर डाउट हो गया था कि वही खुजली वाली है, इसलिए काजल ने उन पर भी खुजली डाल दी। काजल अब कहाँ होगी? वो नेपाल गई है मलेशिया पे खुजली डालने। मुझे नहीं पहचाना, मैं काजल। कमाल करती हूँ, तुम्हें अंधेरे में कैसे पहचाना जा सकता है? खैर, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि इस बार भी अवार्ड मुझे ही मिलने वाला है, क्योंकि तुम्हारी फिल्म को तो ग्रहण लग चुका है। तुम्हारे डायरेक्टर का नाम है खुशलाल लायर बट नॉट नायर, और वो कहता है कि हम पंछी एक डाल के, और जब कोई उसकी डाल पे जाके बैठता है तो वो उसको कौवे की तरह चौंच मारता है। ओहो, तो तुम ही मेरी तरह शुरू हो गई। लेकिन ये क्या घटिया ब्रांड पीती हो? तुम कहो तो मैं तुम्हें स्कॉच से नहला दूं। नहलाने का सीन राम तेरी गंगा मैली में ठीक था, उसके बाद उसमें कोई दम नहीं। दम मारोगी? हाँ, तुम दम और हम के अलावा और क्या जानती हो? देखो, मेरी प्राइवेट लाइफ में दखल देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। साफ साफ बताओ तुम यहाँ क्या करने आई हो? अपनी खुजली मिटाने। खुजली? ये बार बार इस एपिसोड में खुजली का जिक्र क्यों होता है? अगर तुम्हें भी अपनी खुजली मिटानी है तो मेरा ये ब्रांड पियो, है दम। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? मुझे चैलेंजिंग रोल्स बहुत पसंद है। चलो पिलाओ ना अपना ब्रांड। रुको 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 रुको, उसे बिल्कुल नहीं पीना, नीचे रख दो, नीचे रख दो। तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? मैं तो शूटिंग में भी पीकर जाती हूँ, मुझे राजीव राय तक नहीं रोक पाए। तुम क्या चीज हो, खामखा राय का पहाड़ बना रहे हो? देखो उसमें खुजली वाला पाउडर है, वो पियोगी ना तो सारा साल खुजाती रहोगे, मुफ्त में मारी जाओगे। ये ठीक कह रहा है। ये इजिप्शियन मम्मी कहाँ से आ गई? मैं मम्मी नहीं हूँ, डैडी हूँ, वो भी कानून का डैडी, इंस्पेक्टर ओमपुरी। लेकिन ये हालत आपकी किसने की? अरे इसी खुजली वाटर ने जो तुम पी रही हो। मैं तुम्हें खुजली जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। के फॉर काजोल, के फॉर खुजली। देखा, मुफ्त में चीज हासिल करने का हशर। मैं क्या करूँ, आजकल तो सारे आर्टिस्टों की यही आदत है, मुफ्त का पेट्रोल मनी, मुफ्त में 5-स्टार होटल में खाना खाना, मुफ्त में अपने परिवार वालों को आउटडोर ले जाना, मुफ्त का ट्रंक कॉल, और तो और मुफ्त की शॉपिंग। चलिए इंस्पेक्टर साहब, और सुनो, इस नेपालन के चक्कर में मत पड़ना। अगर तुम्हें अपने डैडी की तरह कुछ करना है तो मेरे साथ काम किया करो, वरना ये तुम्हें बना देगी गोरखा, वो भी मुफ्त का।